नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हमें गिरती खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की फेरबदल की अटकलें तेज, पीएम मोदी की बैठक आज। राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार और संघ को सौंपी रिपोर्ट, आरोपियों को बताया सियासी चाल। मध्य प्रदेश में अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी, शॉपिंग मॉल और जिम में को भी अनुमति। श्रीनगर के नौगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। इजराइल दूतावास धमाका, दो संदिग्धों की तस्वीर जारी, एनआईए ने घोषित किया 10 लाख का इनाम। बढ़ते आगे और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पिछले कई घंटों से मुठभेड़ जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं एक से दो आतंकियों के इलाके में छुपे होने की आशंका है। फिलहाल सुरक्षा बलों के जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच श्रीनगर में एक बार फिर मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जहां पर आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। उत्तर प्रदेश में पीएफआई को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव और एटीएस द्वारा चुनाव में रोहिंग्या की आर्थिक तौर पर मदद किए जाने के मामले के बाद पीएफआई को इनकम टैक्स के दायरे और चैरिटेबल ट्रस्ट पर रोक लगा दी गई है। अब यूपी पुलिस को पीएफआई के खिलाफ आर्थिक मामलों में कड़े एक्शन लेने में मदद मिलेगी। आयकर विभाग ने पीएफआई की फंडिंग पर भारी चोट की है। विभाग ने पार्टी के चैरिटेबल ट्रांजैक्शन पर रोक लगाते हुए इसे टैक्स के दायरे में ला दिया है। अब पार्टी कोई भी लेन देन टैक्स फ्री नहीं कर पाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस को भी आर्थिक मामलों में एक्शन लेने में अब मदद मिलेगी। हालांकि अभी तक जिस तरीके से केस दर्ज होते थे तो वो काफी हल्की धाराओं में किए जाते थे, लेकिन अब टैक्स के दायरे में और चैरिटेबल ट्रांजैक्शन पर रोक लगने के बाद पुलिस के पास भी कोई मामला आता है तो अब उस ऑफिस में वो कड़ी कार्रवाई कर सकती है। वहीं इस खबर पर अब हमारे साथ संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चैरिटेबल ट्रांजैक्शन पर भी रोक लगा दी गई है, साथ ही साथ अब टैक्स के दायरे में कर दिया गया है तमाम ट्रांजैक्शंस को। देखिए कीर्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई कही जाएगी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जिसमें तमाम जो ऐसे संगठन के से जुड़े लोग थे जो अराजक तत्व कहलाते थे, और उस पर यूपी पुलिस के बड़े अफसरों ने कार्रवाई की है कि किसी भी तरीके का अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। आर्थिक चोट पहुंचाई गई है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से पीएफआई को, और ये कहा जाएगा कि एक बड़ी कार्रवाई की है। और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को आर्थिक मामलों में एक्शन लेने में अब मदद मिलेगी। हालांकि अब तक जिस तरीके से केस दर्ज होते थे उनके खिलाफ जिस तरीके की एफआईआर के बाद कार्रवाई होती थी वो हल्की धाराओं में किए जाते थे, लेकिन अब टैक्स के दायरे में चैरिटेबल ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने के बाद पुलिस के पास ये बड़े मामले हो जाएंगे और उसमें जो कार्रवाई है उससे उनको बहुत ज्यादा जो मदद है वो मिलेगी। हालांकि पीएफआई के खिलाफ जो यूपी पुलिस के बड़े अफसर एक मुहिम चला रहे थे उसमें अब तक ये सबसे ऊपर पायदान का ये मामला माना जा रहा है, क्योंकि फंडिंग के बाद ही लोगों को मदद मिलती थी और इस तरीके की जो अराजक जो भूमिकाएं होती थी वो लोग पीएफआई के करते थे, और उसके बाद अब ये कार्रवाई कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी है। हालांकि अब इसको जो दूसरा पायदान जो कहा जाएगा कि इनके ऊपर कार्रवाई का दौर सबसे बड़ा वो कब किस तरीके का होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फंडिंग के तौर पर ये जो रोक लगाई गई है ये यूपी पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रोहिंग्या जो कि आर्थिक तौर पर मदद किए जाने के मामले में, इसके बाद अब मंगलवार को पीएफआई की फंडिंग पर भारी चोट दी गई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कुछ महीने पहले इजराइल एम्बेसी के पास हुए ब्लास्ट में शामिल दो संदिग्धों की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए तस्वीरें सामने आई है।
एनआईए ने इन दोनों की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने वाले के लिए 10-10 लाख का इनाम भी घोषित किया है। तस्वीरों में दो संदिग्ध नजर आ रहे हैं, दोनों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। इस तस्वीर में दो संदिग्ध बम प्लांट करते नजर आ रहे हैं। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए कर रही है। इस मामले की जांच पहले स्पेशल सेल कर रही थी, इसके बाद केस एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया था। ब्लास्ट से जुड़ी रिपोर्ट रोहिणी एफएसएल और ने एनआईए को सौंप दी है। आगरा जिले के कागारौल में बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां एक मकान की निर्माणाधीन छत ढह गई। मलबे में परिवार के बच्चों सहित 9 सदस्य दब गए। उन्हें पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 3 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल भी हैं। मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि 2 लड़की और 1 लड़की की मौत हो गई है, घायलों का इलाज किया जा रहा है। कुल 9 लोग फंसे थे। कस्बा कागारौल में आज हाकिम सिंह का जो घर है उसकी छत गिर गई। छत के गिरने की वजह से जो भी घर के अंदर जो व्यक्ति थे वो उसमें फंस गए। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिली, तत्काल वहां पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जो फायर ब्रिगेड की टीम थी उसको भी बुला लिया गया। जितने भी लोग उसमें दबे हुए थे सबको निकाल कर तत्काल आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसमें से कुल 9 लोग थे, जिसमें से 3 लोग की डेथ हो गई है। जो जिनकी डेथ हुई है उनकी उम्र 3 वर्ष, 5 वर्ष और 8 वर्ष बताया जा रहा है। बाकी जो व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती थे उनका इलाज चल रहा है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता ममता जुड़ चुकी है। ममता, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अभी अपडेट इस पूरी खबर पर मिल पा रही है। जी कीर्ति, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि ये आगरा के थाना कागारौल क्षेत्र है और वहाँ के एक कागारौल कस्बे का मामला है पूरा, जहाँ एक मामूली सी ही बारिश हुई थी जिसके चलते वहाँ एक परिवार के 9 सदस्य उसकी छत ढहने से उस मलबे में दब गए और पूरे के पूरे 9 सदस्यों में से जिसमें मौके पर 3 बच्चे वहाँ मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद में और बाकी के 6 सदस्यों को ग्रामीणों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाल गया और तत्काल एसएन मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहाँ उनकी भी उन 6 सदस्यों की भी हालत गंभीर बनी हुई है। जी, लेकिन आसपास के जो घर है क्या उनकी भी हालत इसी तरह जर्जर अवस्था में है? जी बिल्कुल, जो देहात जो क्षेत्र है वहाँ जिस तरह मकानों की जो स्थिति होती है तो वो लगभग कच्चे मकान होती है इस तरह से, तो वो ज्यादा उनको ज्यादा साफ सफाई या उनका उनकी सुरक्षा ठीक से नहीं हो पाती है, तो इस तरह से वो जरा सी भी बारिश होती है और उसके उसको सीलन पकड़ने के बाद में ढह जाती है। और इस तरह की काफी तस्वीरें वहां देखी गई है कि इस तरह के और भी मकान है जो कि जर्जर हालत में है, कभी भी वो भी इस कंडीशन में हो सकती है। जी, इसके खिलाफ प्रशासन के द्वारा कुछ कार्रवाई की जा रही है? जो तमाम जर्जर मकान है जो कभी भी ढह सकते हैं और लगातार मानसून आने का अब जो सिलसिला है वो जारी रहेगा? जी बिल्कुल, इस मामले में जब ग्रामीणों से बात की गई तो ग्रामीणों का कहना था कि हम लोगों का अपना पेट भरने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास। जिस तरह की लॉकडाउन लगा दिया गया पिछले साल से, हम लॉकडाउन के अंदर हमने अपना जीवन किस तरह निर्वाह कर रहे हैं, किस तरह के अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, तो हम मकान पहले कैसे सही कराएं, जिस तरह हम अपना भोजन का भी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जर्जर हालत में तमाम मकान है, लेकिन प्रशासन की तरफ द्वारा इस तरफ कोई नजर नहीं डाली जाती और इस तरह के बड़े हादसे हो जाते हैं। कोरोना संक्रमण के घटते ही लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने उर्दली रूप की व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया है। कमिश्नर डीके ठाकुर ने आज चिन्ह थाने में विभूति खंड सर्कल में कई मुकदमों की विवेचनाओं के बारे में जानकारी ली। बता दें कि कमिश्नरेट में विवेचनाओं की समीक्षा के लिए खुद कमिश्नर अलग अलग समय में थाने में गए। पुलिस कमिश्नर के साथ डीसीपी पूर्वी, एसीपी विभूति खंड के साथ उर्दली रूम में बैठक हुई, जहां चन्हट और विभूति खंड थाने में दर्ज मुकदमों की समीक्षा की गई।
पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय द्वारा अभी ओआर किया गया है। इसमें दो थाने सर्कल विभूति खंड उसका ओआर हुआ है। इसमें स्पेशल फोकस ये दिया गया है कि जो भी पुरानी विवेचनाएँ थी उनका जल्दी से निस्तारण हो, स्पेशली जो इस साल से पहले की हैं। कुछ मुकदमे जो बहुत लंबे समय से लंबित हैं 2017-2018, उन पर स्पेशल फोकस सर का था और उसके जो भी अवरोध थे उसके मार्ग में उसको डिस्कस किया गया और जल्द उनके निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी ऐसे केसेस थे जहाँ पे कोरोना काल के कारण टीम्स नहीं जा पा रही थी, उन सब के लिए भी अब परमिशंस हो गई हैं और इस नवीन परमिशंस के कारण जल्दी ही उस पर भी टीम्स रवाना होकर के जो भी पुराने मामले हैं उनका निस्तारण शीघ्र सुनिश्चित करेंगे ताकि सोनभद्र में एएसपी का सीओ को लिखा हुआ एक पत्र वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जुगैल थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि जुगैल थाना क्षेत्र में कहां कहां अवैध खनन किया जा रहा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। एसपी ने खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पत्र मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बारिश के मौसम में मोरंग की खदानें बंद होने पर मोरंग के दाम आसमान छूने लगते हैं, जिसको लेकर मोरंग माफिया सभी क्षेत्रों में सक्रिय हो जाते हैं और मोरंग के बड़े बड़े डंप लगाते हैं और सरकार को मिलने वाले राजस्व में सेंध लगाते हैं। इन्हीं मोरंग माफियाओं पर अब लखनऊ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और डीएम के निर्देश पर बिना लाइसेंस के मोरंग डंप कर रहे माफियाओं पर कार्रवाई की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में मोरंग माफियाओं में हड़कंप मच गया। आज यहाँ जनपद में ये शिकायत मिली थी कि जो है कुछ लोग मोरंग के बहुत बड़े स्टॉक लगा के बालू मोरंग गिट्टी वगैरह के स्टॉक लगा के बेचते हैं, लेकिन उनके मोरंग भंडारण लाइसेंस नहीं लिए गए हैं। जैसा कि निदेशालय से निदेशक महोदय जो है द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि बिना भंडारण लाइसेंस के कोई भी डंप नहीं होंगे और उनका कमर्शियल उपयोग नहीं किया जाएगा। तो जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज मैडम की अध्यक्षता में आज थानाध्यक्ष, राजस्व टीम और मैं खनन अधिकारी मिलके जहाँ जहाँ अवैध खनन हो रहे हैं, जहाँ जहाँ सॉरी अवैध मोरंग भंडारण हुए हैं उनकी नाप। गोरखपुर में पुलिस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को जबरन गाड़ी में बिठाकर उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो राजघाट थाना क्षेत्र के रेती चौराहे का है, जहां छोटी सी बात पर कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। इस मामले में पीड़ित ने एडीजी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में एडीजी का कहना है कि जल्द ही मामले की जाँच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये अभी मेरे पास ज्ञापन प्रार्थना पत्र दिया है इस प्रकरण में। मैं इससे मिलने से पूर्व ये वीडियो हम लोगों के संज्ञान में आया था और एसएसपी साहब को भेज दिया गया था। अब चूंकि ये प्रार्थना पत्र भी मिला है मुझे, तो इस पे मैंने उनसे जांच करा के कार्रवाई करने के लिए कहा गया और उनसे अपने दोस्त के बहन की साथ तिलक के लिए गए थे शॉपिंग करने रेती चौराहे पर, अनारकली करके दुकान है, वहाँ पर बारिश के कारण जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ के थाना राजघाट के इंस्पेक्टर विनय कुमार सरोज जी अपनी गाड़ी से उतरते हैं और एक जुपिटर गाड़ी खड़ी थी उसके बारे में पूछते हुए पहले मेरे दोस्त को पीटा, 5-7 थप्पड़ मारा, जिसका नाम नीलमणि तिवारी है। उसके बाद मुझे बुलाया और कहा कि ये गाड़ी तुम्हारी है। हमने कहा हमारी गाड़ी नहीं है। और उसके बाद हमारी जो दूसरी गाड़ी थी उसको हमने किनारे करने के लिए बोला कि हम किनारे कर दे रहे हैं, ये वो गाड़ी पहले से ही किनारे थी, उसको हम और किनारे कर रहे थे। तब तक ये पीछे से विनय कुमार सरोज जी आए और 5-7 थप्पड़ मारे, फिर हम खड़े हो गए। उसके बाद और जो है हम गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए बढ़े तो फिर पीछे से हमको लात से मारे, फिर उसके बाद और मन नहीं माना तो फिर और हमको मारे, थप्पड़ थप्पड़ मारते गए। फिर हम गाड़ी आगे बढ़ा के गली में खड़ा करके आए, फिर 50-100 की भीड़ थी वहाँ पे, मुझे बहुत बुरा लगा था। और मैं उनसे पूछा कि सर आपने मुझे क्यों मारा, बस ये बात उनको नागवार गुजरी कि ये लड़का हमसे कैसे पूछ रहा है। इन्होंने अपने साथ खड़े दिलीप कुमार सिपाही को कहा कि गाड़ी बुलाओ और इसको बैठाओ, ले चलते हैं राजघाट थाने पर, बताएंगे इनको कि क्यों मारा है, कैसे मारा है। उसके बाद मैं बहुत डर गया कि बेवजह मुझे इतना मारे तो थाने ले जाकर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं बोला मैं थाने नहीं जाऊंगा, मैं माफ़ी मांग रहा हूं आपसे, जो भी किया मैं, मेरी कोई गलती ना होते हुए भी मैं सिपाही दिलीप कुमार और
इंस्पेक्टर साहब विनय कुमार सरोज का पैर पकड़ पकड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझ पर लाठी डंडे से मारा और दिलीप कुमार ने ये भी बोला कि ये सब वीडियो। बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने तीन इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार भी कर लिया है, तो वहीं दो बदमाशों को पैकोलिया पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बता दें कि तीनों आरोपी 5 जून को विनय यादव को गोली मारकर फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। दिनांक 5 जून 2021 को थाना क्षेत्र पैकोलिया में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें 3 मुलजिम वांछित थे। जो भी मुलजिम वांछित थे उन पर 25,000 रुपए का पुरस्कार पुलिस अधीक्षक बस्ती महोदय द्वारा घोषित किया गया था। उसी क्रम में वांछित अभियुक्त शिवम तिवारी और कल्लू तिवारी को दिनांक 12 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया था। दूसरा मुलजिम अभिमन्यु सिंह पुत्र धनंजय सिंह निवासी लजघटा को एसटीएफ द्वारा दिनांक 13 जून 2021 को गिरफ्तार कर थाना पैकोलिया में दाखिल किया गया। एक जो मुख्य अभियुक्त था, बचा हुआ अभियुक्त आदित्य वर्मा और आदित्य चौधरी, उसे आज दिनांक 15 जून 2021। बस्ती में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसको लेकर 3 अपराधियों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। बता दें कि 5 महीने पहले घास काटने गई किशोरी के साथ गांव के ही 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसका खुलासा अब किया गया है। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पेट में 5 माह का बच्चा है। वहीं जब इस बात की जानकारी परिजनों को हुई, तब जाकर एफआईआर दर्ज कराई। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस जाँच में जुट गई है। शासन की सभी युवाओं बुजुर्गों को मुफ्त वैक्सीनेशन योजना में आजमगढ़ में हर दिन हजारों लोगों का टीकाकरण हो रहा है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की साग पर बट्टा भी लग रहा है। आजमगढ़ मंडलीय अस्पताल में भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिरिंज के जरिए वायरल से वैक्सीन निकालकर उसे डेस्क पर बेतरतीब रखा गया है। टीकाकरण केंद्र में लापरवाही देखकर वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोग हैरान हो गए। इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि जब मंडलीय अस्पताल में वैक्सीन की बर्बरता और बर्बादी इस कदर हो रही है, तो सीएससी पीएससी की दशा क्या होगी। मिली जानकारी के मुताबिक जब दोपहर बाद भीड़ कम हुई, तो टीकाकरण में जुटे कर्मचारियों कुछ देर के बाद बाहर निकल गए। उसी दौरान लोगों की निगाहें डेस्क पर पड़ी, तो वैक्सीन की बर्बादी देख चौंक गए। उसके लिए देखिए, जो सिरिंज से इंजेक्शन एक बार लगता है, दोबारा नहीं लगता है। तो किसी भी वायल में अगर वैक्सीन है, उसमें सिरिंज अगर डाला है निकालने के लगाने के लिए, तो वो गलत है, उसमें रखना नहीं है। जो भी सिरिंज आपने लगा लिया, उसको हाफ कटर रहता है, उसको निडल काट देते हैं, उसको डिस्पोज नहीं कर देते हैं। और अगर जब दूसरा आदमी खड़ा रहेगा लगवाने के लिए आ जाएगा, तभी आप वायल में सिरिंज डालेंगे। ऐसा नहीं है कि जो वायल है उसको भी डिस्पोज करना है और जो सिरिंज है उसको भी तुरंत, अब कटर रहता है जिसे काट के डिस्पोज करना है, ये इनकी पूरी ट्रेनिंग होती है, होती रहती है। और जो औरैया जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 23 जिला पंचायत सदस्यों में से 13 सदस्य सपा के और भाजपा के 5 सदस्य जीते हैं, तो वहीं बसपा के 5 जीत कर सामने आए। वर्तमान समय में सपा के खुद के 13 सदस्यों के होने से भाजपा के मात्र 5 सदस्य होने से एक तरफा चुनाव जीतने की अटकलों पर विराम लगते हुए सपा ने भाजपा सरकार के इशारों पर नाचने वाली जिला प्रशासन के साथ भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा जिलाध्यक्ष ने वर्तमान सरकार के इशारों पर नाचने वाले जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि जिला प्रशासन लगातार सपा के सदस्यों को नाहक परेशान कर रही है। सदस्यों को परेशान करने के लिए सिर्फ सदस्यों के ही घर मकान का नाप जोख किया जा रहा है और झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। अगर जिला प्रशासन द्वारा इस बात को नहीं माना गया, तो सपाई इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। और जिला प्रशासन को चेताते हुए सख्त हिदायत भी दे डाली कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सपा सरकार के आते ही सभी अधिकारियों के घरों का हिसाब भी लिया जाएगा, अधिकारियों के घरों की भी नाप जोख की जाएगी। कोरोना काल में 2 चुनाव हुए, एक बंगाल का चुनाव, एक उत्तर प्रदेश पंचायत का चुनाव। दोनों चुनाव में बीजेपी मात खा गई। अब उनको उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और पंचायत प्रतिनिधि जितने जीते हैं, सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की जीते हैं, ये आपने जाना और सुना भी है, ग्राम पंचायत से लेके और जिला पंचायत सदस्य तक। तो बीजेपी की पूरे देश में छप खराब हुई है। उस छप सुधारने के लिए पूरे प्रदेश में बेईमानी करना चाहते हैं। प्रशासन के दम पर
प्रमुख जिला पंचायत प्रशासन जिला पंचायत सदस्य और बीटीसी मेंबर तक पे दबिश दे रहा है। पुलिस खुद गई परसों एक बीटीसी मेंबर के यहाँ पुलिस ने दबिश दी भगुआ के ऐसी बीटीसी मेंबर लड़के बच्चों से छोटे छोटे उसके बच्चे थे वो भाग के बाहर निकल गए। प्रशासन चूक सेमीफाइनल जो हुआ जिला पंचायत का चुनाव उस चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती और जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई सेमीफाइनल उन्होंने संदेश दे दिया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। तब उन्होंने जाके खुद प्रशासन ने और सरकार ने नीचे अधिकारियों से कह दिया कि चाहे कुछ हो जाए हमें इमेज अपनी अब की बार बनानी है किसी तरह चाहे जैसे जीतो चाहे एसटीएफ का चाहे पुलिस का बल्ले प्रयोग लेकिन जिला पंचायत समाजवादी पार्टी जिला पंचायत में जो जनादेश है वो समाजवादी पार्टी को मिला है। उस जनादेश से बीजेपी पूरे प्रदेश में बौखलाई हुई है और औरैया में भी वही का है क्योंकि जनादेश समाजवादी पार्टी के साथ है। जब यहाँ 23 मेंबर हैं 13 मेंबर समाजवादी पार्टी के जीते हुए हैं और उनके पास 5 मेंबर हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि जब 13 मेंबर समाजवादी पार्टी के हैं 5 मेंबर बीजेपी के पास हैं वो 8 मेंबर तोड़ के प्रशासन का सहयोग कर रहा है, ये करके तो लाएंगे यही जनादेश को चैलेंज करके और प्रशासन के सहयोग से। तो वही इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में जुलाई से खुलेंगे स्कूल, 1 जुलाई से खुलेंगे सभी स्कूल, बच्चों को आने की अनुमति नहीं, शिक्षक और स्टाफ को मिली आने की अनुमति। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी में जुलाई से 1 जुलाई से स्कूल खोल दिए जाएंगे, हालांकि बच्चों के प्रवेश पर अभी अनुमति नहीं दी गई है लेकिन स्टाफ स्कूल आ सकता है। स्कूल प्रबंधन अब अपनी स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1 जुलाई से स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 1 जुलाई से स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है, बच्चे नहीं आएंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। वही अभिषेक मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बड़ी खबर आ रही क्योंकि कहीं ना कहीं स्टाफ परेशान था, लोगों की जिस कदर नौकरियां गई उसके बाद अब 1 जुलाई को एक बार फिर से सुचारू रूप से स्कूल खुल जाएंगे। बिल्कुल कीर्ति, आपसे बताना चाहेंगे कोविड की दूसरी लहर को लेकर सरकार तमाम जैसे अनुसंधानों पर सख्त थी, सरकारी गैर सरकारी ऑफिसर्स पर सख्त थी, उसी को लेते हुए 30 जून तक सभी विद्यालयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद सरकार ने स्कूलों में सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया था। इसी क्रम में 1 जुलाई से कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों को खोलने के लिए अनुमति प्रदान की है, जिसमें विद्यालय प्रबंधन अध्यापकों और कर्मचारियों को शैक्षिक और गैर शैक्षिक कार्यों के लिए जरूरत के अनुसार बुला सकते हैं, वो भी रोस्टर के हिसाब से। अभिषेक, लेकिन क्या ये जो कर्मचारी बुलाने के जो है इस पे क्या 50-50% का अभी गाइडलाइन जारी रखी गई है या समस्त स्टाफ को एक साथ बुलाने की अनुमति दी गई है? नहीं, कृपया आपसे बताना चाहेंगे इसमें क्या कहते हैं गाइडलाइन के हिसाब से ही बुलाना है, 50-50 का स्टाफ बुलाएंगे, शिक्षित स्टाफ बुलाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने पर इसके कवायद की जा रही है क्योंकि एक लंबे समय से बच्चों के पढ़ाई पे भी काफी नुकसान हो रहा है और तमाम शिक्षकों के भी दिक्कतें आ रही, जैसे आपने बताया कि कहते हैं कि सैलरी नहीं मिल रही थी, तमाम शिक्षकों की परेशानी थी कि हमारा कैसे खर्च चलेगा, तो जिसको देखते हुए धीरे धीरे क्रम में चीजें खोली जा रही है। 21 जून से आपका लखनऊ में मॉल ये सब खुल रहे हैं, उसी क्रम में 1 जुलाई से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बच्चों को आने की अनुमति नहीं है लेकिन शिक्षक और स्टाफ को अनुमति दे दी गई है। तो यूपी में 1 जुलाई से दोबारा से स्कूल सुचारू रूप से खोल दिए जाएंगे, बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी लेकिन शिक्षक और स्टाफ को अनुमति दे दी गई है। वही अगली बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, आज से खुलेगा ताजमहल, सैलानी कर सकेंगे ताज का दीदार, कोविड नियमों का करना होगा पालन। तो बता दें एक बार फिर, आगरा में ताज
का दीदार करने के लिए सैलानी आ सकते हैं। वहीं आगरा से ममता जुड़ चुकी है। ममता, अब ताज कब खुल जाएगा, उसके बाद जिस तरह से टूरिस्ट दोबारा से आ जाएंगे तो लोगों की जो आमदनी है उसमें भी इजाफा करने के लिए कहीं ना कहीं फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है कि जिसके तहत आज ताजमहल को खोल दिया जाएगा, बाकी सभी पर्यटक स्थलों को खोला जा रहा है, जिसके तहत ही ताजमहल को खोला जाएगा। तो ताजमहल के अंदर अधिकारियों से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि ताजमहल परिसर को हम लोगों ने कल जब बात की गई तो उन्होंने एक दिन पहले का बता के पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है उसको, ताजमहल को, जैसे वहाँ डायनासोर सीट वगैरह इन सब चीजों को जो रेलिंग लगी हुई है उन सबको सैनिटाइज किया गया है, जिसके बाद में कल से 650 सिर्फ पर्यटकों को वहाँ एंट्री दी जाएगी। उससे अगर अधिक की संख्या होती है तो उनको वेट करना पड़ेगा। और वहीं बात की जाए अगर टिकट की तो उसके लिए टिकट के एंट्री के लिए उनको ऑनलाइन टिकट दिया जाएगा, ऑनलाइन जितना 650 के बाद में वहाँ टिकट का भी रोक लगा दी जाएगी। जब 650 पर्यटक जब वहाँ से बाहर निकल आएंगे उसके बाद में बाकी के पर्यटकों को जो वेटिंग में लगे होंगे उनको एंट्री दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ताजमहल भी खुल गया है, धीरे धीरे लगातार देश जो है वो अनलॉक की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो जिस तरह से सैलानी आते हैं तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट के चलते जो रोजगार बढ़ता है उसको भी मद्देनजर रखते हुए ताजमहल को अब खोल दिया गया है। तो सैलानी अब ताज का दीदार कर सकते हैं। साथ ही साथ स्कूल खोलने की भी जो बड़ी घोषणा की गई है वो 1 अप्रैल से स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे। आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।